जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसलिए साथियों, एग्जाम से पहले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से रिविजन कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग एक बार बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। सबसे पहला क्लास है साइंस विज्ञान प्रैक्टिस सेट, ये आपको सुबह 10 बजे दिया जाता है। फिर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी व्याकरण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो, ये आपको अलग अलग दिया जाता है दोपहर 3 बजे। फिर है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको पूरा लाइव में मिलता है रात 8 बजे, ठीक है। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के अलावे बिहार SSC की तैयारी करते हैं या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए रीजनिंग क्लास आप लोग कर सकते हैं शाम 7:30 बजे से। और रीजनिंग वाली क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, उसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर होगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है। अच्छा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था, तो 1 सितंबर 1939 को, ठीक है, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट किया था, और 1 सितंबर 1939 को ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो 1945 में, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर स्कर्वी नहीं होगा, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर पूछा गया स्कर्वी रोग, ठीक है, यानी किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते चलिए नीचे लाइव चैट में, और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि प्रीवियस ईयर में आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, टेलीस्कोप यंत्र का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, ठीक है। एक पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा नॉल और रस्का नामक वैज्ञानिक ने, किसने किया था, नॉल और रस्का नामक वैज्ञानिक ने किया था, क्या, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, ठीक है। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर होगा कुरुवा, ध्यान रखिएगा, झारखंड में झूम कृषि को कुरुवा कहते हैं। अच्छा, झूम कृषि क्या है, तो झूम खेती, देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो झूम खेती में पहले वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, जहाँ 2-3 वर्ष तक खेती की जाती है और पुनः यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए झूम खेती जो है पर्यावरण की दृष्टि से क्या होती है, हानिकारक होती है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, पामलू की बात करें तो याद रखिएगा, झूम खेती को मणिपुर में पामलू कहते हैं और इसी झूम खेती को झारखंड में कुरुवा कहते हैं। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आ रही रवि की सवारी, ठीक है, ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये कविता लिखा हुआ है, और इस कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, तो आंसर है अनुचरों से, किससे किया गया है, अनुचरों से। निषेचन के पश्चात
बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह खाली स्थान में विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फल। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह फल में विकसित हो जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्थल सीमा की पूछा गया है कुल लंबाई, ना कि तटीय सीमा की। तो स्थल सीमा क्या होता है? जो पानी से टच नहीं है, जैसे कि भारत का नीचे वाला मैप देखिए तो ये पूरा एरिया जो है ये पूरा तट पानी से सटा हुआ है, तो ये स्थल सीमा नहीं है, ये तटीय भाग है। ठीक है, तो ऊपर जो आपका है, ऊपर भारत का मैप, वो क्या है? स्थल सीमा है। तो इसकी लंबाई कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, 7,516.6 किलोमीटर जो है ये क्या है? तो भारत के तटीय भाग की लंबाई है, यानी कि ये वाला नीचे पूरा हो गया और इसके साथ में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सभी को मिलाकर क्या है? 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तब आपको आंसर करना है 6,100 किलोमीटर। तो ये भारत का मुख्य भूमि है, इसकी लंबाई केवल पूछे ये वाला, तो इसका आंसर 6,100, और ये वाला प्लस अंडमान निकोबार इन सभी को मिला दे द्वीप को, तो 7,516.6 और 15,200 क्या है, ये केवल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो अभी हमने आपको बताया था किसने किया था, तो याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर ने। किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने। और कब किया था? तो 1 सितंबर 1939 को। विद्वान का विलोम शब्द क्या है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए, और आपका फ़र्ज बनता है कि आपको सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप लोग सेशन को पूरा शेयर कीजिएगा। तो विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख। ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी होता है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? तो सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। ठीक है, कौन थे? पुर्तगाली, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, और भारत से लास्ट में जाने वाले भी यही थे पुर्तगाली, जो कि गोवा से इनको भगाया गया था, इसको 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया था। ध्यान रखिएगा, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है? तो साथियों, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से। अच्छा, कुमाऊँ हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदियों के मध्य भाग को बोला जाता है कुमाऊँ हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करें तो ये हो जाएगा आपका काली और तिस्ता नदियों के मध्य भाग को नेपाल हिमालय, और असम हिमालय कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य भाग को असम हिमालय कहते हैं। तो सारे को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद में? देखिए साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्र पूछे तो 30 वर्ष है न्यूनतम अनिवार्य। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में इसका गठन हुआ था। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था?
चलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्षाए में। कहाँ पर? वर्षाए में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखिएगा। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ पर जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्षाए में घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1871 में, ठीक है, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अच्छा आप लोग बताइए, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध पूछा जाता है, सेडोन का युद्ध ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था, किसके बीच में? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक इसमें से किलोवाट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, किलोवाट शक्ति का मात्रक है। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो देखिए, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था, और उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक 44वां संशोधन होता है 1978 में, ठीक है, इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में अब टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, ठीक है, और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो याद रखिएगा कानूनी अधिकार, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या। दूसरे स्थान पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तीसरे स्थान पर अपना बिहार, और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल। क्रम को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या है? तो उसका नाम है कंडरा संयोजी ऊतक, ठीक है, कंडरा संयोजी ऊतक। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे कंडरा ऊतक का काम क्या है? तो ये अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है। अच्छा, अस्थि और अस्थि को आपस में कौन जोड़ता है? तो स्नायु ऊतक, ध्यान रखिएगा, स्नायु ऊतक अस्थि और अस्थि को आपस में जोड़ता है, जबकि कंडरा ऊतक अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है। चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो उत्पादन के साधनों में आय, ठीक है, उत्पादन के साधनों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? चलिए 20 के लिए आंसर लगाइए। तो साथियों, रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, और रबड़ के वृक्ष जो है भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो थाईलैंड है, और भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। आहरनाल मूल रूप से कहाँ से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है? तो इसका आंसर है मुंह से कोलोन तक। कहाँ तक? मुंह से कोलोन तक। अच्छा, ये कोलोन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कोलोन जो है बड़ी आंत का ही एक अंग है, कोलोन, ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत का एक अंग है कोलोन। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 6 से 7 मीटर होती है। अच्छा, आहार नाल की लंबाई पूछे तो 33 फीट, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट होती है, ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है।
तो किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है? तो एक उत्तल दर्पण में ऐसा संभव है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? चले 24 के लिए आंसर लगाइए, और साथ में प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है, आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को भूल कर भी मिस नहीं करना है। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने उन दोनों प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो इसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। तो विदेशी निवेश कहलाता है क्या? तो याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय निगमन द्वारा किया गया निवेश जो है विदेशी निवेश कहलाता है। प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रथम टीका जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया, इसलिए एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने। कार्ल लंडस्टीनर ने क्या किया था? तो वह रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। जोसेफ लिस्टर की बात करें तो इन्होंने एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज किया था। इन सारे फैक्टों को याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसे करेगा? तो उपाध्यक्ष को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपाध्यक्ष को, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन है, 26 नवंबर जाना जाता है, आंसर लगाइए 27 के लिए। तो कल भी हमने रात 8 बजे की क्लास में आपको शायद इस क्वेश्चन को बताया था, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 के लिए आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लीजिए, या विज्ञान नहीं होगा, विधि होगा। ठीक है, विधि, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर आप सभी जानते हैं। साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, बाकी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य पूछे गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछे उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछे कर्नाटका में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहाँ पर है? असम में है, ध्यान रखिएगा। और दाचीग्राम पूछे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ पर है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? परावैगनी विकिरणों से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। अच्छा, ओजोन परत जो है ये मुख्यतः किस गैस से नुकसान होता है? तो CFC यानी क्लोरो फ्लोरोकार्बन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर के दिन। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन काम दिया जाता है? देखिए ये जो मनरेगा है इसका पुराना नाम क्या था? नरेगा, ठीक है, नरेगा। तो नरेगा से मनरेगा कब किया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा किया गया, और इसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देती है। तो आंसर क्या होगा? COPTION। किस समूह में बादल के पर्यायवाची है?
तो ऐसा कौन सा यहाँ पे समूह है जो कि सभी के सभी बादल के पर्यायवाची है? तो ये वारिद हो जाएगा, निरद हो जाएगा, पयोध, ये सभी के सभी क्या है? बादल के पर्यायवाची। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का है, तो सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ पर लागू हुआ था? अमेरिका। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेथेन, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है? चलिए 35 के लिए आंसर लगाइए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? तो सांगफो बोला जाता है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन भारत में पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। चलिए 36 के लिए आंसर बताइए, 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? शहर यहाँ पे पूछा जा रहा है, न कि राज्य। तो सबसे अधिक आबादी वाला तो मुंबई है, दूसरा हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा 2011 जनगणना के आधार पर। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह को। अच्छा, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वेलरी उत्पाद के लिए। किसके लिए? ज्वेलरी उत्पाद के लिए। वह अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? तो अधातु में पूछे तो ब्रोमीन, और धातु में पूछे तो हो जाएगा आपका पारा। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, गदर पार्टी की स्थापना कब होती है और कहां पर हुई थी? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, आज 40 क्वेश्चन ही हमने कवर किया।